बैठे हैं और अब जो है पहले उनकी जांच होगी और जांच के बाद वो जाएंगे। ये देखिए राकेश्वर सिंह मनहास यहाँ पर आपको एम्बुलेंस से जाते दिखाई देंगे। अब उनका मेडिकल चेकअप होगा, इसके बाद जो भी तस्वीर होगी हम आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज बासागुड़ा। तो ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट आपने देखी, एक झलक आप देख पाए होंगे राकेश्वर सिंह मिन्हास की तस्वीर। आपको बता दें कि मेडिकल जांच जारी है इस वक्त और ये राकेश्वर सिंह मिन्हास जिनका इंतजार पूरा देश कर रहा था वो पहुंच चुके हैं। देखिए एम्बुलेंस में वो बैठे हैं और अब जो है पहले उनकी जांच होगी और जांच के बाद वो जाएंगे। ये देखिए राकेश्वर सिंह मिन्हास यहाँ पर आपको एम्बुलेंस से जाते दिखाई देंगे। अब उनका मेडिकल चेकअप होगा, इसके बाद जो भी तस्वीर होगी हम आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज बासागुड़ा। तो ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं यही वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर बैठे हुए हैं राकेश्वर सिंह और अब उनको मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर अब सामने आ गई है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर सीआरपीएफ के तमाम जवान जो इंतजार कर रहे थे राकेश्वर सिंह का और अभी अभी एम्बुलेंस से वो बाहर आए। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की ये तस्वीर सबसे पहले आपके सामने, ये खुशी का लम्हा एक तरीके से, अपने जवानों के बीच पहुंचे हैं, अपने साथियों के बीच पहुंचे हैं राकेश्वर सिंह। जब से वो लापता थे, नक्सलियों के कब्जे में थे, सभी लोग गमजदा थे, परेशान थे, उनकी रिहाई को लेकर तमाम तरह की कोशिशें हो रही थी और एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई है। हम लगातार ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, आप तक पहुंचा रहे थे, उनके नाते रिश्तेदारों से बात कर रहे थे राकेश्वर सिंह के। और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर आई कि अब राकेश्वर रिहा हो गए हैं, आप सुन रहे थे कि उनके परिवार वाले लगातार एबीपी न्यूज को थैंक यू कह रहे थे, धन्यवाद कह रहे थे। ये देखिए वो तस्वीर आपके सामने, इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं राकेश्वर सिंह को। और ये देखिए ये वो तस्वीर जिसका हर किसी को इंतजार था, लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर और राकेश्वर सिंह के घर में भी लोग एबीपी न्यूज चैनल इस वक्त देख रहे हैं। तो परिवार वाले वंदे मातरम का नारा भी बुलंद कर रहे हैं, भारत माता की जय भी कह रहे हैं, एबीपी न्यूज को धन्यवाद भी कह रहे हैं। कल तक जहां गम था, दुख का माहौल था, आज खुशी है हर चेहरे पर। और ये देखिए वो दूसरी तस्वीर जिसका हर किसी में इंतजार था और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं आप देख भी पा रहे होंगे कि एबीपी न्यूज चैनल ही वहां पर घर में लोग देख रहे हैं। एबीपी न्यूज के माध्यम से ही पल पल की खबर इन तक पहुंच रही है और एबीपी न्यूज जो वहां देखा जा रहा है उसके पीछे वजह भी है। आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज इस खबर को एक मुहिम की तरह चला रहा था, हम लगातार इस खबर के जरिए सरकार से ये मांग कर रहे थे कि तमाम कोशिशें की जाएं कि जल्द से जल्द राकेश्वर सिंह की रिहाई हो और आखिरकार रिहाई मुमकिन हो पाई है। ये देखिए वो तस्वीर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं, राकेश्वर सिंह के घर में लोग देख रहे हैं जो सीधा प्रसारण हो रहा लाइव।